में एसपी मनीष त्रिपाठी ने जिले में कांस्टेबलों के तबादले किए हैं, इसके लिए जारी किया आदेश अब जिले के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कारण है तबादला लिस्ट में नाम के आगे किया गया जाति का जिक्र। वहीं तबादला आदेश के नाम से आगे जाति गुर्जर, जाट, रैगर और खटीक लिखा गया है। एसपी मनीष त्रिपाठी का ये आदेश अब जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं एसपी मनीष त्रिपाठी ने बढ़ते मामले के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ली है। उन्होंने अपनी गलती मानते हुए तुरंत आनन-फानन में नई संशोधित लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस महकमे के उच्च अधिकारियों ने भी नाराजगी जाहिर की थी और कांस्टेबल्स ने भी दबे स्वरों में आक्रोश जताया था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, तबादला लिस्ट जारी करी है एसपी साहब ने और उसमें जाति का भी जिक्र किया गया जिसपे सब में आक्रोश है। अभी क्या इस पे अपडेट है अपने पास? देखिए, बिल्कुल बड़े ही शर्म की बात है जब एक जिला एसपी इस तरह की लिस्ट जारी करता है और उसमें जाति सूचक जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, उसमें जाति का वर्णन करता है, उसका जिक्र करते हुए उसके बाद वह कांस्टेबल की तबादला लिस्ट जारी करता है जिसमें रेगर हुआ, खटीक हुआ, जाट हुआ, ऐसे तमाम जो कांस्टेबल्स हैं जिनका आज तक उन्होंने ऐसी लिस्ट जब निकली तो वह भी सोच में पड़ गए और उन्होंने खासा आक्रोश जताया कि एक हमारे जिला एसपी जो उच्च अधिकारी जब हमें इस तरह के जाति सूचक लिस्ट निकाल करके और हमें इस तरह के तैनात करेंगे तो उसका किस तरह का मैसेज जाता है। जैसे ये लिस्ट निकली उसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उच्च अधिकारियों तक भी ये बात पहुंची तो तमाम जो उच्च अधिकारी थे पुलिस महकमे से जुड़े हुए उन्होंने भी खासी नाराजगी जताई। निचले स्तर पर दबे हुए जो कांस्टेबल्स होते हैं, जो उन कांस्टेबलों ने भी दबे स्वर में उन्होंने खासा आक्रोश जताया और जो लिस्ट जारी हुई थी जाति सूचक जो कांस्टेबल्स की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें खासा आक्रोश जताया और इसको लेकर के जब जमकर ये वायरल होने लगी तो उस पर उसके बाद हमने जिला एसपी से बातचीत करी और कहा कि इस तरह की जाति सूचक जो लिस्ट जारी हुई है निश्चित तौर पर ये तो कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी कराती है और एक जिला एसपी की मानसिक जो स्थितियां होती हैं उनसे अवगत कराती है तो उसमें एक जो मैसेज जाता है समाज के अंदर वह बेहद खराब जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस के लिए ये बेहद काला दिन है जिसमें एक जिला एसपी ने इस तरह की लिस्ट जारी की। उसके बाद एसपी ने जब जैसे ही वायरल हुई लिस्ट उसके बाद तुरंत प्रभाव से दूसरी लिस्ट जारी की, उसमें उस संशोधित लिस्ट निकाली और उसके बाद उसमें अपनी स्वीकारी गलती भी स्वीकार की उन्होंने और माना कि पहली बार उनसे इस तरह की ये गलती हुई है। और लेकिन जब तक कहते हैं कि जब तक गलती स्वीकारी उससे पहले तक ये समझ लीजिए कि कमान से जो है वो तीर निकल चुका और कहीं ना कहीं ये सारे अधिकारियों तक इसकी भनक लगी है और सब लोगों ने इसकी आलोचना की है। निश्चित तौर पे उसके बाद तबादला लिस्ट जब जारी हुई है, संशोधित लिस्ट जारी हुई है, उसमें जाति सूचक जैसे शब्दों का जो जिक्र किया गया उन सबको यहाँ से हटाया गया और उसके बाद जो अमूमन जो लिस्ट निकलती है उच्च अधिकारियों के यहाँ से वह उसी प्रकार की जो लिस्ट थी वो फिर से जारी की। लेकिन एक बड़े ही शर्म की बात है यहाँ पर सौरभ कि एक जिला एसपी होकर के और इस तरह की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि इस गलती को इसका जो खामियाजा है हो सकता है आने वाले समय पर यहाँ पर जिला एसपी को भुगतना पड़े क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात उच्च अधिकारी तक पहुंची है तो हो सकता है कि शाम तक कोई आदेश आए और जिला एसपी को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सजा दी जाए क्योंकि ये गलती ये मैसेज देती है कि किस तरह के अधिकारियों ने किस तरह की मानसिकता उन्होंने बना रखी है। जो जब पोस्टिंग वो देते हैं तो क्या वो जाति सूचक शब्दों को ध्यान में रख के या जाति को ध्यान में रखते हुए इस तरह की लिस्ट निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी आलोचना है इसको लेकर के और तमाम पुलिस महकमे से जुड़े तमाम आला अधिकारी, निचले स्तर के तमाम पुलिसकर्मी वो इस लिस्ट को लेकर के फिलहाल खासे आक्रोशित हैं और खासे नाराजगी जता रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद यादवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी साहब ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके लिस्ट जारी करी तबादलों की जिससे पूरे महकमे के अंदर आक्रोश है और वहीं अब सुधार कर दिया गया है फिलहाल के लिए, नई लिस्ट जारी भी कर दी।